अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप कैसे पता करेंगे कि अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है? क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव है यानी कि चालू है तो आप उस पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपका इनएक्टिव है यानी कि बंद है तो उस पैन कार्ड का आप इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको जल्द से जल्द आपको ये काम कर लेना है कि आपको चेक कर लेना है, आपको यानी वेरीफाई कर लेना है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं है। तो किस प्रकार से आप अपना पैन कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं यानी बंद है या चालू है पैन कार्ड आपका, वो किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे मात्र 2 मिनट के अंदर में, तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल टेक विथ बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने एक ब्राउज़र यहाँ पे अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको सर्च करना है ई फीलिंग 2.0, ये आपको इस तरह से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसका लिंक आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को फर्स्ट में ही मिल जाता है। इसी फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा सर्चिंग लेगा और ये इनकम टैक्स की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस तरह से खुल जाती है यानी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिख जाता है, बहुत सारा ऑप्शन दिख जाता है। अगर आपको इस तरह से आपके मोबाइल में नहीं दिखता है, आपको 3 डॉट पे आएंगे, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। जैसे कि हमने कंप्यूटर में खोल लिया तो यहाँ पे क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिया गया है। इस क्विक लिंक्स में आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन चेक कर लेना है यहाँ पे वेरीफाई योर पैन। सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा ये या लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो है वेरीफाई पैन का एक पेज खुलता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना होता है पैन कार्ड को। तो किस प्रकार से वेरिफिकेशन करना है इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप वीडियो के स्किप कर देंगे तो आपको जो है सही से जानकारी और सटीक जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको ये काम कर लेना है अगर आपके पास पैन कार्ड है, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड अगर बंद होता है तो उस पैन कार्ड को आप कहीं भी देते हैं तो उस पैन कार्ड का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाएगा, उस पैन कार्ड का आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड तो आपके पास होगा लेकिन वो पैन कार्ड जो है बंद रहेगा, लेकिन उसका कहीं भी सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वेरीफाई योर पैन का ये पेज यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। इसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड पे जो पूरा नाम है वो नाम आपको इसमें डाल देना है। इसके बाद आपका पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल लेनी है। इसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेनी है, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इतना काम कर लेता हूँ। इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पे जो एक OTP जाएगा 6 डिजिट का, उसको आपको इसमें फिल कर देना है। जैसे आप इसमें फिल करेंगे तो आपको वैलिडेट का ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाता है तो उसको दिखना है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, OTP डाल लेता हूँ। मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जैसे मैंने एक OTP डाल लिया है और यहाँ पर आपको वैलिडेट का ऑप्शन जो हाईलाइट हो गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर यहाँ पर आपका पैन कार्ड एक्टिव दिखता है तो समझ लीजिए कि आपका पैन कार्ड चालू है, आपका पैन कार्ड बंद नहीं है। तो आप इस पैन कार्ड को जो इस्तेमाल कहीं भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखता है पैन कार्ड इज़ इनएक्टिव रेड कलर में आपको यहाँ पर दिखेगा, ये सारा डिटेल आपको रेड कलर में दिखेगा, तो समझ लीजिएगा आपका पैन कार्ड बंद है, उस पैन कार्ड को आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड को वेरीफाई कर लीजिए कि आपका पैन कार्ड चालू है या फिर नहीं है। अगर आपका पैन कार्ड बंद है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।